जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन जो सपा का बूथ अध्यक्ष है हमारे गांव का रज्जन हसन और उसका भाई महताब, इसने उसका कि मेरे दरवाजे आके बम मारा है, अगर मैं दरवाजा बंद करके अंदर ना जाता तो शायद मेरी जान माल का खतरा भी हो सकता। इसके बाद इन्होंने गाली गलौज किया है और खुद गाली गलौज करके और 3-4 बम मेरे दरवाजे पर मारा है। थाने गए हैं, थाने में कल हमने तहरीर किया है लेकिन पुलिस अभी तक उसमें FIR नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों के बाद मानो ऐसा लगता है कि सपा कार्यकर्ताओं के पंख निकल आए हैं। जहां मौका मिल रहा है कुंडई पर उतर गए हैं, गाली गलौज तक तो ठीक था, बम भी मार दे रहे हैं। जी ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद भाजपा नेता कह रहे हैं। ये हैं बीजेपी के सेक्टर अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव आरोप लगा रहे हैं कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन कथित सपा नेता रज्जन हसन और उसका भाई मेहताब उनके घर आ गए, पहले तो गाली गलौज शुरू की, उसके बाद बमबाजी शुरू कर दी। बेचारे नेताजी तो साफ कह रहे हैं कि अगर उस दिन नहीं भागे होते तो जान तक चली जाती, बात यहीं तक खत्म हो जाती तो क्या बात थी। घटना को लेकर जब पहले संजय श्रीवास्तव पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने मुकदमा लिखने से ही मना कर दिया। जी सर, हम तब्दील में रहते हैं, हमारा नाम संजय श्रीवास्तव है, हम भाजपा के सेक्टर अध्यक्ष हैं। जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन जो सपा का बूथ अध्यक्ष है हमारे गांव का रज्जन हसन और उसका भाई महताब, इसने उसका कि मेरे दरवाजे आके बम मारा है, अगर मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर ना जाता तो शायद मेरी जान माल का खतरा भी हो सकता था। और इसके बाद इन्होंने गाली गलौज किया है और खूब गाली गलौज करके और 3-4 बम मेरे दरवाजे पर मारा है। थाने चौकी गए तो क्या हुआ? थाने गए हैं, थाने में कल हमने तहरीर किया है लेकिन पुलिस अभी तक उसमें FIR नहीं कर पाई, ना मुकदमा नहीं पाया। क्या नाम आपका? मैं संजय श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? अपनी थाना ललौली जनपद। फतेहपुर के ललोनी थाना इलाके के टप्पनी गांव के इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्यवाही की तैयारी चल रही है। थाना ललोनी अंतर्गत टप्पनी गांव निवासी संजय श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय गौरी शंकर श्रीवास्तव थाना ललोनी को सूचना दी गई कि जिस दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना की समाप्ति के पश्चात 4 जून 2026 को कुछ युवकों द्वारा उनके घर पर आकर के बम फेंका गया और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। इस संबंध में थाना ललौली पर संघ धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में बम फेंकने की कोई पुष्टि नहीं हो रही है, अन्य बिंदु धारा से पड़ताल की जा रही है और सब विधि कार्रवाई कराई जा रही है। फतेहपुर से नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।